राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म होने के बाद लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। ग्वालियर जिले के भितरवार एसडीएम कार्यालय के सामने कांग्रेसियों ने पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक लाखन सिंह के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया। साथ ही केंद्र सरकार का पुतला दहन करते हुए राहुल गांधी को उनका पद सम्मान पूर्वक वापस करने की मांग की है। देश भर में राहुल गांधी के निलंबन से कांग्रेस आग बबूला हो गई। कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी कर रही है। सोमवार को कांग्रेस के पूर्व मंत्री और ग्वालियर जिले के भितरवार विधायक लाखन सिंह यादव के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया और एसडीएम को ज्ञापन देकर राहुल गांधी की सदस्यता वापस देने की मांग की है। साथ ही नया बस स्टैंड पर कांग्रेसियों ने केंद्र सरकार का पुतला भी दहन किया और जमकर नारेबाजी की। पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला और कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता की लोकप्रियता से भाजपा भयभीत है और उसे अपनी सत्ता जाती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को पदयात्रा से मिली लोकप्रियता के बाद घबरा गई है। देखिए, ज्ञापन तो आपने अभी हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी ने आपको पढ़ के सुनाया। 25 तारीख को इस देश के लोकतंत्र की जो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो हत्या की है वो एक हमारे लिए 25 तारीख का काला दिन कहलाना चाहिए। इस देश के चुने हुए सांसद को जिसको जनता ने चुन के भेजा उस सांसद की राहुल गांधी जी की जो है सदस्यता ख़त्म कर दी है। ये देश के इतिहास में इस तरह का पहली घटना है कि यदि कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि चाहे सदन में हो चाहे लोकसभा में हो यदि अपने क्षेत्र के अपने आवाम की बात करता है तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि ये लोग चुपचाप आके अपना मुंह बंद रखें। लेकिन ये कांग्रेस के लोग हैं, ये कांग्रेस ने देश को आज़ाद कराने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि इस देश में अमन चैन हो। और इसी तरह राहुल गांधी जी जब उन्होंने 4000 किलोमीटर की जो यात्रा की थी उससे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह भयभीत है। और मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि चाहे हमारे एक सांसद को उन्होंने उनकी सदस्यता ख़त्म की हो चाहे देश के हमारे कांग्रेस पार्टी के सभी सांसद विधायकों की सदस्यता ख़त्म कर दें, लेकिन ये कांग्रेस का आंदोलन समूचे देश में 25 तारीख से चल पड़ा है और मुझे लगता है ये जब तक चलेगा जब तक राहुल गांधी जी की सदस्यता को ये भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व वापस नहीं लेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान मुख्य अतिथि संगठन जिला प्रभारी रविंद्र सिंह चौहान रहे। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष ग्रामीण प्रभुदयाल जौहरी, जिला कार्यकारी अध्यक्ष उपेंद्र राजे सहित अनेक कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये सिर्फ राहुल गांधी जी के साथ गलत नहीं हुआ, ये पूरे देश के साथ गलत हुआ। ये लोकतंत्र की हत्या है, ये हमारे लोगों के विचारों की हत्या है। अगर इस तरह से चला, ये नरेंद्र मोदी जो अपनी ताकत बता रहे हैं ना, ये जनता के सामने ये जनता के वोटों से बने हैं, ना कि खुद की दम से। अब ये राहुल गांधी के नेतृत्व को देख के घबरा रहे हैं, इसलिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। और हम उन्हें चेताना चाहते हैं, अगर वो अपनी आदतों से बाज नहीं आए तो अभी तो शुरुआत है। इतना सैलाब उबड़ेगा कि वो घबरा के नीचे गिर जाएगी, उनकी सरकार भी नष्ट हो जाएगी। ये तो कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारे माननीय विधायक जी की कृपा से आज हम सब लोग एकत्रित हुए। एवं पुतला दहन की बात आती है तो पुतला दहन तो अभी तो एक हुआ है ना, यानी कितने पुतला दहन होंगे। अगर राहुल गांधी जी की सदस्यता को बहाल नहीं किया गया तो अभी तो बहुत समय है। अगर 10-15 दिन के अंदर सदस्यता बहाल नहीं होती है तो पुतला तो अभी बहुत बाकी है वो दहन होना। हाँ, आज माननीय विधायक जी की ओर से ज्ञापन दिया गया है और उसको नियमानुसार हम वरिष्ठ कार्यालय को भेज रहे हैं। ग्वालियर से MP हेड इमरान खान की रिपोर्ट।